बच्चों, हमारी जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी, उसमें मैं आज आपके लिए क्लास नंबर 5 यानी भाग 5 लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डाली जाएगी। इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों 50,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, 90,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार या स्वय रोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेश करने के लिए होप पोर्टल, कौन सा पोर्टल बच्चों, होप पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें हमारे ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान। जल्दी से कमेंट करके बताएं और इस क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने COVID-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। इसमें हमारे ऑप्शन है इटली, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, इटली। क्लियर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COVID-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस प्रशिक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है, यानी जो प्रशिक्षण मशीन उन्हें राष्ट्र को समर्पित की है उसका नाम क्या है। इसमें हमारे ऑप्शन है कोमल 6800, कोरोना 5800, कोबास 6800, हिमस 3200। जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, कोबास 6800। क्लियर है। उसके बाद वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चला, यानी शुरुआत हुई थी 16 मई से, हमें अंतिम तारीख बतानी है कि कब तक चला। हमारे ऑप्शन है 30 जून, 15 जुलाई, 22 मई, 18 मई। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, 22 मई, यानी 16 से लेकर कब तक चला, 22 मई तक वंदे मातृ अभियान का कौन सा चरण चला है, दूसरा चरण। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। इसमें हमारे ऑप्शन है 10 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, यानी कितने करोड़ का वित्तीय पैकेज था बच्चों, ये 20 लाख करोड़ का वित्तीय पैकेज था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया। इसमें हमारे ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, पाकिस्तान। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है, चीन। किसने अपने नाम किया ये कप, चीन ने अपने नाम किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ENAM, के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया। इसमें हमारे ऑप्शन है 205, 180, 177, 165। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, 177। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है। आप सबको पता है भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था 1881 में। क्लियर है। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आया था 1891 में,
और अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर कितने किए गए, 10, 12, 14, 15, जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 12 घंटे। क्लियर है? हरी शंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इतिहासकार थे, कलाकार थे, साहित्यकार थे या इनमें से कोई नहीं थे? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो वो एक क्या थे बच्चों? इतिहासकार थे। और वैसे इतिहास संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी इति का मतलब होता है ऐसा ही, है का मतलब निश्चित रूप से, और आस का अर्थ है, यानी जो बीत गया वो हमारे लिए क्या है? इतिहास। और इतिहास के पिता है हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसमें हमारे ऑप्शन है चीन, नेपाल, जापान, रूस। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? चीन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक नए पोर्टल को लॉन्च किया है? यानी हमें पोर्टल का नाम बताना है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें हमारे ऑप्शन है आकाश, गुरुड, कोयल, नमन। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों गुरुड। अगला, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम यानी लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ? यह रिपोर्ट किसने जारी की है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने, खाद्य एवं कृषि संगठन ने या फिर विश्व बैंक ने? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई भाई? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका बोफोर्स इंडिया बिलीनियर्स लिस्ट 2020 जारी की गई, इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा? साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी? जल्दी से कमेंट करके बताएं और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या बच्चों? मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त की मंजूरी दी? इसमें हमारे ऑप्शन है 1,000 रुपये, 500 रुपये, 1,500 रुपये, 700 रुपये। कितने रुपए की मंजूरी दी गई बच्चों? कमेंट करके आप लोग बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है बच्चों? 500 रुपये। क्लियर? किस संस्था ने हाल ही में उच्च संकरण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है DRDO, इसरो, MSC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? DRDO। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? रॉस टेलर, काइले जेमिसन, मिचेल सेंटनर, टीम साउथी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या बच्चों? रॉस टेलर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के चाक हाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी GI का टैग दिया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, मणिपुर? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। काले चावल का संबंध कौन से राज्य से है? कौन से राज्य से बच्चों? मणिपुर से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्लैक राइस वाला। अगला, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अप्रैल महीने के पहले मंगलवार को,
मई महीने के पहले मंगलवार को, जून महीने के पहले सोमवार को, मार्च महीने के पहले शुक्रवार को। जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों मई महीने के पहले मंगलवार को। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोड्डा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? हमारे ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में COVID-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? इसमें हमारे ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों आईआईटी दिल्ली। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं NTPC, ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों जयपुर, पटना, लखनऊ, नई दिल्ली। जल्दी से कमेंट करके बताएं और इसका सही आंसर दें। इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है, यानी साल भर तक कोई भी सरकारी वाहन नहीं खरीदा जाएगा? इसमें हमारे ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरल। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या बच्चों? हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 अप्रैल को, 15 फरवरी को, 1 मई को, 1 जून को। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 1 मई। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADB, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दी है? इसमें हमारे ऑप्शन है नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? भारत। यानी किसको दिया है इतना ऋण? ADB ने भारत को दिया है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कितना ऋण? 11,370 करोड़ रुपये का ऋण। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? इसमें हमारे ऑप्शन है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। जल्दी से कमेंट करके बताएं और इस क्वेश्चन का सही आंसर दे। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 50 लाख रुपये। COVID-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चीन, रूस। जल्दी से कमेंट करके बताएं और इसका सही आंसर दो बच्चों। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं रहे हैं, इनकी जगह नए राष्ट्रपति आ गए हैं बाइडेन। जैसा कि आपको पता है अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुए और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का जो रिजल्ट आया कब आया? 3 नवंबर 2020 को आया बच्चों। ने किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अमृता सिंह, राहुल त्यागी, मनीषा सिंह। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बच्चों मनीषा सिंह। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल
कुंवर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसमें हमारे ऑप्शन है झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। जल्दी से कमेंट करके बताएं और सही आंसर दे। इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? पश्चिम बंगाल। राज्यपाल का वर्णन, जैसा कि आप सबको पता है, संविधान के कौन से भाग में? छह में। भाग छह के कौन से अनुच्छेद में है? 153 में। राज्यपाल बनने के लिए कितनी योग्यताएं चाहिए? पांच। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। इसकी जो नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस्तीफा भी कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। राज्यपाल को हटाने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ही है। सिर्फ आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, शपथ हाईकोर्ट का मुख्य जज दिलाता है। उसके अलावा राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबका आंसर एक ही होगा, राष्ट्रपति। और राज्यपाल का वेतन भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, उसका कार्यकाल भी उसी के प्रसाद पर्यंत है, यानी उसी की इच्छा पर डिपेंड करता है। और वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख रुपये महीना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुखाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? इसमें हमारे ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? झारखंड। क्लियर है? किस संस्था के अनुसार COVID-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है? यह आंकड़ा हमने बताया ना है कि कौन सी संस्था ने जारी किया है। इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यह आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा बच्चों? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी सरकार? इसमें हमारे ऑप्शन है 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दे। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 10 लाख रुपए। फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों 0.8%, 1.5%, 2.5%, 1.19%। जल्दी से कमेंट करके बताएं और इस क्वेश्चन का सही आंसर दे। इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? 0.8%। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे वैली पुल का उन्नयन किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? इसमें हमारे ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, सिटी बैंक। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताओ बच्चों। तो इसका हमारा सही आंसर है ADB, न्यू डेवलपमेंट बैंक।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT ने कितनी कंपनियों को चुना है जिन्हें COVID-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? इसमें हमारे ऑप्शन है 4, 5, 8, 3। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो कितनी कंपनियों को चुना है बच्चों? 3 कंपनियों को चुना है। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच COVID-19 प्रशिक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो कौन से राज्य को दिए गए बच्चों ये आदेश? आंध्र प्रदेश को दिए। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नोरटोन का अधिग्रहण कर लिया है? TVS ने, यामा ने, बजाज ने, होंडा ने। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो किसने कर लिया बच्चों ये अधिग्रहण? TVS ने। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऑफ यूजर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहेगी? 1.8%, 2.5%, 3.4% या 2.1%? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 1.8%। प्रतिवर्ष हरियाणा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन है 10 फरवरी, 1 नवंबर, 15 अप्रैल, 18 मार्च। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो कब मनाया जाता है बच्चों हरियाणा दिवस? 1 नवंबर को। हरियाणा प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1966 में। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा? 18वें संशोधन के द्वारा। 18वां संशोधन कब हुआ? 1966 में। और देश का 17वां राज्य कौन सा बना था? हरियाणा। हरियाणा का क्षेत्रफल जैसा कि आप सबको पता है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। हिंदी भाषा के आधार पर बनाया गया प्रदेश कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा किससे अलग हुआ था? पंजाब से। हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पुल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली? इसमें हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? इसमें हमारे ऑप्शन है 0.55%, 0.45%, 0.75%, 0.25%। जल्दी से कमेंट करें और बताएं किसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है जो 0.5%। ये देखिए 3 टर्म होती हैं। एक होती है बैंक दर। जब RBI वाणिज्यिक बैंकों को लंबे समय तक उधार देता है तो RBI जिस दर से ब्याज लेता है उसे क्या बोलते हैं? बैंक दर। एक होती है रेपो दर। जब RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए उधार देता है तो RBI जिस दर से ब्याज लेता है उसे क्या बोलते हैं? रेपो दर। एक होती है बच्चों रिवर्स रेपो दर। जब RBI वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकाल के लिए उधार लेता है तो RBI जिस दर से ब्याज लेता है उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो दर। ये तीनों तरह की दरें कौन डिसाइड करता है? RBI। हमेशा रिवर्स रेपो दर कम होती है किसके मुकाबले? रेपो दर के मुकाबले। और इन दरों की जो समीक्षा की जाती है हर कितने महीने में की जाती है? 3 महीने में की जाती है। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? इसमें हमारे ऑप्शन है रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? दक्षिण कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMF,
जिसकी स्थापना 1944 में हुई ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या 189 है। 189वां इसका जो देश सदस्य बना वो नोरू है। आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को दोनों को एक दूसरे की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 1.2%, 1.3%, 2.9% या 1.9%? जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? 1.9%। ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की दो प्रजातियों टेरोपस और रुसेटस से कोरोना वायरस का पता लगाया है। इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों नेपाल, जापान, भारत, पाकिस्तान। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? भारत। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 20 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 मई, 30 मई। जल्दी से कमेंट करें और क्वेश्चन का सही जवाब दे। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? 30 अप्रैल तक के लिए वीजा बढ़ाया गया था सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की थी? 3 मई तक के लिए, 30 अप्रैल तक के लिए, 20 मई के लिए या 20 अप्रैल तक के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या था बच्चों? 3 मई। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन है 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च या 12 अप्रैल। कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही जवाब दें कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 12 अप्रैल। हाल ही में मोटरस्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों स्टर्लिंग मास, लुइस हैमिल्टन, एटन सेना, सेवसेटेन बेटेल। जल्दी से कमेंट करके बताएं और इस क्वेश्चन का सही आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों स्टर्लिंग मास। 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, पवन सिंह, रवि किशन। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर क्या था बच्चों? पंकज त्रिपाठी। शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसमें हमारे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। आप सबको पता है कमलनाथ सिंह की जगह उन्होंने शपथ ली थी। और कमलनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री थे? मध्य प्रदेश के। क्लियर है। उसके बाद आगे बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस राज्य से काफी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों प्राण जीवन अमर साकार। किस नाम से किया है बच्चों ये लॉन्च? कमेंट करके बताओ। तो किस नाम से? जीवन के नाम से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान जारी किया? जापान, इटली, दक्षिण कोरिया, स्पेन। कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या बच्चों? दक्षिण कोरिया। मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? कैथरीन डी सुलिवन, कर्मन कौर थांडी, वी विद्यावती और डी गीता गोपीनाथ। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों ए
कैथरीन डी सुलिवन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? इसमें हमारे ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता? इसमें हमारे ऑप्शन है सुमेर सिंह, राजीव नाथ, रतन लाल, अमन घोषाल। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों रतन लाल। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? इसमें हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगनाना चेदुडु नामक योजना शुरू की? तेलंगाना ने, कर्नाटक ने, आंध्र प्रदेश ने या फिर बिहार ने? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? आंध्र प्रदेश। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 12 जून को, 10 जून को, 15 जून को या 7 जून को? कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 12 जून। किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमित के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन थेरेपी उपलब्ध शुरू की है? यानी ऑनलाइन इलाज किया जाएगा संक्रमित लोगों का। तो इसमें हमारे ऑप्शन है भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, ब्राजील। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बांग्लादेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? इसमें हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? कर्नाटक। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरिन जीजा का निधन हुआ, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? बुरुंडी के, केनिया के, नाइजीरिया के या फिर गाना के? कौन से देश के राष्ट्रपति थे बच्चों? बुरुंडी के। हाल ही में घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा? ओमान बनेगा या संयुक्त अरब अमीरात बनेगा या सऊदी अरब बनेगा या कतर बनेगा? तो कौन सा बनेगा बच्चों? संयुक्त अरब अमीरात बनेगा। क्लियर है? हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निर्देशक बने हैं? इसमें हमारे ऑप्शन है नीलेश जैन, मयंक श्रीवास्तव, सौरभ खंडूरी, अनिल बलूरी। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दे। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों अनिल बलूरी। हाल ही में किसे नासा का विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? अंजलि त्रिवेदी को, आलोक मल्होत्रा को, रंजीत कुमार को, रघुनाथ सिंह को? जल्दी से कमेंट करके बताएं और इस क्वेश्चन का सही आंसर दे। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? रंजीत कुमार। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इरशद आलम खान, जावेद इकबाल वानी, नासिर खान, जाकिर मियादाद। जल्दी से कमेंट करें और क्वेश्चन का सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन बी, जावेद इकबाल वानी। हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का नया राज्य गान बना है? उत्तराखंड का, पंजाब का, ओडिशा का, असम का? कमेंट करके बताएं कि है कौन से राज्य से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है बच्चों? ओडिशा से संबंधित है।
हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? पिथौरागढ़ को, चमोली को, गैरसेन को या हरिद्वार को? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया बच्चों? गैरसेन को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश ने किया है, राजस्थान ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है या फिर हरियाणा ने किया है? तो कौन से राज्य ने किया है बच्चों? राजस्थान ने किया है। हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का किताब जीता है? अरुंधति भट्टाचार्य, नीता अंबानी, किरण एम शाह, जरीन दारूवाला? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों किरण एम शाह। हाल ही में कौन IIFI फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने? सोनू सूद, अक्षय कुमार, विराट कोहली, रोहित शर्मा? कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों रोहित शर्मा। क्लियर है? हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अमित चतुर्वेदी, नीलम खन्ना, राहुल श्रीवास्तव, पीयूष वर्मा? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों राहुल श्रीवास्तव। किस भारतीय को हाल ही में UNDAP की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? के माथुर को, एस शर्मा को, एम नेत्रा को, बी चावला को? तो ये हमारा इसमें क्या है आंसर? एम नेत्रा इसका हमारा सही आंसर है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर वर्ष मनाया जाता है 7 जून को, 5 जून को, 7 मई को या 1 जुलाई को? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 7 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति चिरंजीवी सरजा का निधन हुआ, वह किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे? कन्नड़, गुजराती, मराठी, भोजपुरी? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? कन्नड़। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यानी 1400 मीटर लंबा बनेगा? गोरखपुर स्टेशन, हुगली स्टेशन, कटक स्टेशन, विजयवाड़ा स्टेशन? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, हुगली स्टेशन या हुगली स्टेशन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? सरकारी में नहीं बच्चों, प्राइवेट नौकरियों में। ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात? जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों हरियाणा। क्लियर है? विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे हर वर्ष मनाया जाता है 8 जून को, 5 जून को, 6 जून को या 4 जून को? कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर बच्चों 8 जून। हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? कौन से पुरस्कार से बच्चों? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बताना है। इसमें हमारे ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, जावेद अख्तर? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों जावेद अख्तर। हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, झारखंड? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? केरल। और शिक्षा के मामले में हो चाहे औसत आयु के मामले हो, देश में पहले स्थान पर कौन सा है? केरल। हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? मार्क पेसिक, जेनिम कोडल, पैट्रिक पीचेट,
लुईस परसिवल। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बच्चों पैट्रिक पीचेट। किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी मिली है? भारत को मिली है, चीन को मिली है, नेपाल को मिली है या फिर सऊदी अरब को मिली है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए? चंदन सीमार, राजीव टोपनो, आलोक पंडित, प्रदीप सलूजा। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों राजीव टोपनो। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर वर्ष मनाया जाता है 5 जून को, 6 जून को, 2 जून को, 4 जून को। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 5 जून को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में COVID-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया? इसमें हमारे ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो ये मिशन फतेह, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कहाँ पे शुरू किया गया? पंजाब। हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? हमारे इसमें ऑप्शन है रघुवीर झांझर, पदम सिंह चित्रा, वीरेंद्र नाथ दत्त, वरुण गोस्वामी। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों वीरेंद्र नाथ दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष बने हैं? रमेश निगम, दीपक पिलोए, उत्तम बिरला, उदय कोटक। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों उदय कोटक। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तो बासु चटर्जी का निधन हुआ, वह क्या थे? फिल्मकार थे, गायक थे, साहित्यकार थे या पूर्व क्रिकेटर थे? क्या थे बच्चों? वो थे एक फिल्मकार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तो अनवर सागर का निधन हुआ, वह क्या थे? गीतकार थे, वैज्ञानिक थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे या पूर्व राज्यपाल थे? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बच्चों क्या थे? गीतकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? शायद आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको इसका आंसर भी ध्यान में आ गया होगा। यह क्वेश्चन मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए स्पेशल डलवाया है ताकि आपको पिछले क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रिमाइंड कराए जा सकें। और इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। बच्चों क्लियर है? हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है अनामिका सिंह, गोपाल चौबे, रवीश कुमार, धर्मेश अग्रवाल। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों रवीश कुमार। विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 3 जून को, 5 जून को, 1 जून को, 2 जून को। कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 3 जून को। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? देविका राजपूत, रचना चावला, रीना सिंह, गायत्री कुमार। कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों गायत्री कुमार। पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से योजना शुरू की है? पीएम सम्मान योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम रोजगार योजना, पीएम स्वर्णिम योजना। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों पीएम स्वनिधि योजना। इनमें से किसे हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तेजपाल सिंह, कोपल श्रीवास्तव, अश्विनी भाटिया, आयुष सिंगल। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों अश्विनी भाटिया।
हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई? केरल की पहली महिला डीजीपी अवनी गौर, पुष्पा जैन, आर श्रीलेखा, बी चंद्रकला। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बच्चों आर श्रीलेखा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO बने हैं? विक्रम चौधरी, नीलम धीरज, राकेश मेनन, अरुण सिंगल। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बच्चों अरुण सिंगल। विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष मनाया जाता है 1 जून को, 30 मई को, 31 मई को, 5 जून को। जल्दी से कमेंट करें और बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर 1 जून। और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में विश्व भारत में पहले स्थान पर है पंजाब और दूसरे स्थान पर है हरियाणा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाजिद खान का निधन हुआ, वह क्या थे? संगीतकार थे, अभिनेता थे, गणितज्ञ थे या पूर्व क्रिकेटर थे? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, वो क्या थे? संगीतकार। तो पार्ट 5 की ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है और मैं आशा करता हूं ये अर्धवार्षिकी की जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं ये एग्जाम्स में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। तो धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।